आज अपन बनाएंगे शाही टुकड़ा इन ब्रेड का। सबसे पहले ब्रेड ली है और सबसे पहले तो ऐसा जो ऐसे ऐसा डब्बा चाहिए अपन को या कुछ थाली वगैरह जो इस तरह से हो वैसा ऊंची 3-4 इंच की। मेरे पास भी है ये केक बनाने वाली आइसक्रीम बनाने वाला डब्बा, मैं उसी को ले रही हूँ। देखिए ऐसे सबसे पहले अपन देख लेंगे कि डब्बे में कितनी ब्रेड मार रही है अपनी। तो दो का थर लगाएंगे अपन, ऐसे दो का थर लगाएंगे और इस खाली जगह में जो भी बचा है उसको और ऐसे तो थोड़ा सा अपना टुकड़ा ज्यादा हो रहा है इसको काट लेंगे। देखिए ऐसे टुकड़ा काट लेंगे ज्यादा वाला। और देखेंगे ज्यादा हो रहा, हाँ ज्यादा हो रहा है और इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे इसकी। कटिंग करके उसको उसे बराबर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इन्हीं टुकड़ों को हम अपन इनको घी में फ्राई करेंगे, इनको तलेंगे, या आप तल भी सकते हैं तेल में या फिर तवे पे थोड़ा सा घी डाल के ऐसे सेक भी सकते हैं। ऐसे सुनहरी होने तक के इसको तल ले। देखिए ऐसे सुनहरा होए जब तक अपन ने कड़ा कैसे फ्राई करी है, इनको तल चुके हैं तेल में। अब अपन बनाएंगे चाशनी। कप शक्कर लिए मैंने चाशनी बनाने के लिए और 1 कप पानी। इलायची पाउडर डालूंगी।
इस चाशनी को अपन जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना चिपचिपी टाइप, एक तार की चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ अपनी शक्कर भूल जाए और चिपचिपी चाशनी बनाना है इसकी। देखिए अपनी ऐसी चिपचिपी चाशनी बनके तैयार हो गई। एक तार की चाशनी नहीं चाहिए अपन को, बस इतनी ऐसी ही चाशनी चाहिए अपन को। और इसको साइड में रखेंगे, पूरी घुल चुकी। साइड में रखेंगे अब इसको। अब बनाएंगे अपन रबड़ी, रबड़ी बनाएंगे अपन। ये आधा लीटर दूध लिया है मैंने, आधा लीटर दूध है ये। और ये कॉर्नफ्लावर के दो चम्मच लिए हैं मैंने, तो कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है दो चम्मच। और इसको दूध निकाल के रखा था मैंने, इसको दूध में ऐसे गला लेंगे पहले ठंडे ही दूध में। ताकि लम्स ना बने। और अपनी रबड़ी जल्दी से गट्टी हो जाए। अगर अपने पास कॉर्नफ्लावर नहीं रहा तो अपन जिस आटे से रोटी बनाते हैं वो आटा भी ले सकते हैं दो चम्मच। और इसको डाल देंगे अपन। ताकि अपना दूध जल्दी से गट्टा हो जाए। अब इसमें डालेंगे अपन केसर के धागे डालेंगे इस दूध में। फिर ये इस दूध का कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है और सुगंध भी अच्छी आ जाती है। आपके पास गुलाब जल हो तो गुलाब जल डालिए, आपकी इच्छा। मैं तो केसर ही डाल लूंगी। और इसे दूध को ऐसे चलाते रहे। अपनी ब्रेड भी मीठी है और चाशनी भी है, इसलिए मैं दो चम्मच इसमें रबड़ी में शक्कर डालूंगी, बस ज्यादा नहीं डालेंगे। देखिए ये रबड़ी को अपन चेक करने के लिए ऐसे चेक करेंगे, ये चम्मच के ऊपर अपनी कोटिंग हो चुकी है चम्मच की, देखिए ऐसी। तो अपनी रबड़ी परफेक्ट बनी है ऐसा समझे, देखिए ऐसे, ठीक है। इस स्टेप पे अपन बंद करेंगे गैस की फ्लेम। अब ये इसी अपन ये डब्बे पे ब्रेड डालेंगे। पहले डब्बा अपन सेटिंग करके रख लेना चाहिए कि किस डब्बे में बना रहे हैं अपन लोग।
खोबरा पाउडर हो तो ये भी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा, डालना हो तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालें। पर काजू बादाम पिस्ता के टुकड़े ये सब डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसा खाना। शाही शाही टुकड़ा है ये। बादाम के टुकड़े है ये। पिस्ता के टुकड़े, आप कौनते ही ड्राई फ्रूट से इसको सजा सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं कौनते भी ड्राई फ्रूट। चेरी डालूंगी, आपको मेरी शाही टुकड़े की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। आप भी बना के देखिएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी है, तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा, आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।